हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो आज है जकरिया, तो सबको पता है कि जकरी वाले दिन क्या होता है अपने हरियाणा में, जो मनाते हैं। बाकी और में इन धर्म मनाते होंगे, बाकी और मुझे पता नहीं, पंजाबी धर्म में सिख धर्म में मनाते नहीं मनाते, बट इन धर्म में जरूर मनाते हैं। इस दिन अपने माताएं अपने बच्चों के लिए, फर्स्ट व्यक्तियों की लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्कियों के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, मतलब माता मैंने टेक लिया, उसकी वीडियो नहीं बना पाया। और अभी भी हमने सामान सारा तैयार कर लिया, बट वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सामान तैयार करने में लगे हुए थे। बट हाँ, जब हम तैयार सामान बना रहे हैं वो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज हम बनाएंगे एक तो मीठी छुआलियाँ, मतलब मीठी मट्ठी, और अपना मटर और पूरी और छोले, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यह छोटी मटर, यह इनका आटा पेड़ा, यह बेलना चक्कू रखा हुआ है हमने, और ये बन रहे हैं छोटे मटर। मतलब अभी बनाने तैयारी की है, स्टार्टिंग की है अभी, तो इसलिए मैं पहले वीडियो बनाने दिखा नहीं पाया। बट अभी मेरे को एक दिन याद आ गया कि आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है ना, कि हाउ टू सेलिब्रेट जकरिया इन पुर्तगाल। लगे हुए भाई जी बनाने करण, और उसमें है अपना छोले, क्योंकि पूरी का आटा भी भून रखा है। ये रहा पूरी के लिए आटा, ओके। जब बनाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। ये तो पानी पी सको ना यार, सब कुछ खा पी सको। आज कमरी कहते ने तो भाई, आज मेरा फास्ट था, तो इसलिए मैं भाई को पूछ रहा हूँ कि मुझे की जगह भी खराब हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, मैंने मतलब देख लिया है। तो बाकी अपना आप हम देखे गए वगैरह भी बना रहे हैं। अरे नहीं है काम, मान लेते हैं पता नहीं पता, नहीं हो गया सकते नहीं है, नहीं तो यो अंदर नहीं रहा, देखिए सारे आते रहेगा ठीक है। पेड़ बना ले पता करते ये उतर कर रहा है और बता इधर किस पर पकवा दो कर दो रुक जा।
तो गाइस ये है अपना मंदिर, ठीक है, यहाँ पे अपना मतलब कि सारा सामान है अपना पूजा पाठ का। ये हम यहीं से लेके आए थे, ओदी पैलेस से, दिल्ली वाला नाम से दुकान है, उनसे लेके आए थे, बड़ी फेमस दुकान है। मिठाई वगैरह भी हम वहीं से लेके आए थे, मतलब वहीं से लेके आते हैं, वहाँ मिठाइयाँ बनती हैं अपना, मतलब इंडियन शॉप है, बड़ी शॉप है। बाकी ये रखे मैंने कुछ सीखे, मतलब यूरो मतलब वैसे मतलब ठीक है इनसे। ये अपना अगरबत्ती वगैरह माचिस इसमें लगाते हैं, अगरबत्ती बाकी यही अपना ऐसे मिलते हैं भाग्य। तो फाइनली गाइस अपना कोल्ले की झंडी जो हो चुके तैयार, मैंने इसमें डाल दिया ऊपर, ठीक है। और तो बाकी और भी अपना भी मटर जो है बन रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं उनको, अभी और पूरे बनाएंगे अच्छे से, ताकि ये दो तीन दिन आराम से खा ले। टेस्ट पता ही आपको, सुबह चाय के साथ शाम को समझ आते हैं। तो गाइस मटर अपने पूरे बन चुके हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे और मीठी छोलियाँ। ये मतलब कि वही मीठे मीठे होते हैं, इनका मतलब गुड़ गुड़ का हमारे पास गुड़ को पिघला के उससे जो खास मिलती है उसको बनाया। उसके बाद हमने इसमें आटा के मिक्स आटे में कभी सब्जी भून लिया इसको। उसके बाद हम बनाएंगे मटर पूरे होने के बाद हम बनाएंगे शक्कर पारे, उसके बाद मिट्टी छुआलियाँ और फिर उसके बाद पूरियाँ। तो फिर दिखाएंगे आपको, तो भाई सब कुछ बनाने के बाद अगर मटर के बारे में कुछ बनाने के बाद हम बनाने जा रहे हैं पूरियाँ। पूरियाँ मतलब आम बन चुकी है हमारी, पूरियाँ कुछ पूरियाँ बना चुके हैं सारी और बनने जा रही हैं। Thank you.
हाँ भाई क्या है? हेलो क्या ठीक है? वीडियो ला पाते हो ठीक है? तो गाइस अभी मैं लग चुका हूँ खाना खाने, तो अब मैं मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद, सबको कैसा कैसा नहीं कैसा लगा वो खाना तो आपको बाद में बाकी आप मिलता हूँ बाद में। तो गाइस अब हमने खा पी के अब मैं हो चुका हूँ फ्री, मतलब आज जो भी हमने बनाया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा हमको, तो क्योंकि हमने घर पे खाया था, बाकी जो माता जी के हाथ का जो स्वाद होता है वो तो अलग ही होते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। बाकी जो भी हमने लाया वो भी माड़ा नहीं था, मतलब बहुत अच्छा था, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा हमने जब खाया, मतलब हमने बनाई मीठी छुआलियाँ और मीठे, ये जैसे छुआलियाँ कही हैं मीठे छोटे छोटे मटर टाइप, ठीक है सबके बारे बोल देते हैं जैसे वो चीज़ है, और मटर बनाई है, पूरी बनाई थी, छोले बनाए जो कि मैंने आपको दिखाया ही है, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको भी, हमने यहाँ बैठ के भी त्यौहार बनाया। तो ये नहीं है कि हम कहीं भी रहें, पूरे देश विदेश में, देश में विदेश में पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में रहें, हमको अपने रीति रिवाज कभी नहीं भूलने चाहिए, ठीक है अपने त्यौहार जहाँ भी रहें धूमधाम से मनाना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा धूमधाम से मनाएं, यही कहना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, आज के लिए अपना इतना ही था, मतलब और सभी को अपना जकरियों की शुभकामनाएं, सभी माता बहनों को जिन्होंने आज अपने बच्चों के लिए व्रत रखा उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि वो अपना इतना, क्योंकि वो इतना मतलब कि अपने बच्चों के लिए बहुत इतना कुछ करती हैं, पूरे दिन के लिए व्रत रखती हैं, पहले उन्होंने 9 महीने के लिए हमको पेट में रखा, फिर उतने बाद इतना बड़ा किया, फिर अभी भी हमारे लिए मतलब व्रत रखती हैं, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है अपने माता पिता से ऊपर कोई नहीं है। तो अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, सबको माता बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। तो मिलते हैं आप किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी चक्रियाँ।